नमस्कार शिक्षा गुरु होममेड स्कूल में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। तो हर संक्रांति को तो तिल का लड्डू बनती ही है और सब लोग बनाते हैं, तो क्यों ना एक नए डिश बनाए जाए ये संक्रांति को। तो ये है गुड़ पिठा। तो गुड़ पिठा एक नए डिश है, तो आप देखिए कैसा बनते हैं और ये कैसा बनाया जाता है, हम आपको बना के दिखाते हैं। तो चलिए गुड़ पिठा कैसा बनते हैं देख लेते हैं हम। आज हम नया डिश बना रहे हैं, वो है गुड़ पिठा। तो गुड़ पिठा बनाने के लिए हमें जो चावल पहले लगता है वो चावल है ये, इसको बोलते हैं उखड़ा चावल बोलते हैं। ये देखिए थोड़ी सी लाल होती है, ये उखड़ा चावल होते हैं, और ये है कच्चा चावल, ये देखिए इसे बोलते हैं कच्चा चावल। तो हमें लगेगा ये उखड़ा चावल लगेगा, तो आप ये कोई भी किराना स्टोर में जाओगे उखड़ा चावल बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसा चावल हमें मांगता है, और ये चावल को कम से कम 3-4 घंटा भिगो के रखना पड़ता है। तो ये देखिए ये हमने भिगो के रखे थे पहले से, 3 घंटा हमने भिगो के रख दिए थे, ये देखिए ऐसा। तो इसको हम मिक्सर जार में पीस के ले लेते हैं अच्छे से। तो राइस तो हमने साइड में रख दिया है पीसने के लिए, अभी पीसा नहीं है, लेकिन जो सामग्री लगेगा वो देखिए, ये है कलौजी बोलते हैं इसे, ये लगेगा, और ये गुड़ है, ये हमने खजूर का गुड़ लिया है, आप कौन सा भी गुड़ ले सकते हो, और ये तिल। तो इतना ही हमें लगेगा और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए पहले हम चावल को पीस लेते हैं मिक्सर में। तो हमने ऐसा 3 चम्मच मिक्सी का जार में राइस लिया है पीसने के लिए। तो ये देखिए एकदम गिल्ला गिल्ला राइस है, थोड़ी बहुत इसमें पानी है, जैसा छोटे चम्मच का एक चम्मच ही पानी होएगा इसमें, ज़्यादा नहीं है। तो पहला हमें वही कम पानी में ही पीसना रहता है, उसके बाद पीसने के बाद आप देखिए कंटेंट कैसा है, तो वो हिसाब से फिर और एक चम्मच हमें पानी डालना पड़ता है। डाल के जैसा हम इडली का बैटर बनाते हैं वो हिसाब से पीसना है हमें। तो चलिए हम पीसते हैं, देखिए दिखाते हैं हम पीस के। तो देखिए हमने पहला बार मिक्सर घुमा लिया, इसी तरह पीस के हुआ है, और भी हमें पीसना है अच्छी तरह से, और ये पानी का मात्रा एकदम बराबर है, और पानी नहीं चाहिए, इसी तरह पीसना है हमें, ज़्यादा पानी नहीं। तो और भी एक बार हम पीस लेते हैं अच्छे से। तो देखिए इसी तरह पीसना रहता है, ये देखिए हमने पीस लिया है, इतना ही गाढ़ा रहेगा, इससे ज़्यादा पतला नहीं है, और थोड़ी सी ऐसा दरदरा रहेगा चलेगा, वो अच्छा लगता है दरदरा, ऐसा ही रखना चाहिए। तो चलिए ऐसा हम सब पीस लेते हैं। तो गुड़ को देखिए हमने ऐसा ग्रिप कर लिया है, तो हमें इतना ही लगेगा, ये हमने कर लिया है, तो ये हम डाल देते हैं। तो देखिए ये हम गुड़ मिक्स कर रहे हैं, तो जैसा हम गुड़ मिक्स कर रहे हैं वैसा ही देखिए ये पतला होते जा रहे हैं। तो जैसा आप गुड़ मिक्स करोगे वैसा ही पतला होते जाएगा, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं होएगा, हमें जैसा मांगता है वो हिसाब से होएगा। तो हम पूरा मिक्स कर रहे हैं, करने के बाद आपको बताएंगे इसका कैसा थिक रखना है हमें, तो हम बताएंगे। तो पहले हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ये। तो ये देखिए इसका बैटर ऐसा ही थिक बनाना है हमें, ये देखिए चम्मच से ऐसा ही गिरना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा मोटा नहीं, इसी तरह। तो और जो सामग्री लगेगा ये है कलौजी, ये हम मिक्स कर देते हैं, ये लगभग हम छोटे चम्मच का एक चम्मच हम डाल दिए हैं, और ये सफ़ेद वाला तिल, ये तो सभी लोग जानते हो, ये संक्रांति में बनाया जाता है लड्डू, तो लड्डू के बदले में इसी के अंदर डाल दीजिए, ये भी अच्छी तरह बन जाएगा संक्रांत का एक अच्छा डिशेस। तो ये हम डाल दिए हैं, ये लगभग हमने एक चम्मच डाल दिए हैं छोटे चम्मच का, और स्वाद अनुसार सॉल्ट वो भी हम डाल देते हैं इसमें, ये मीठा है, मीठे में थोड़ी सी सॉल्ट लगता है, ज़्यादा लगता नहीं है। तो ये डाल के अच्छी तरह सब चीज़ को मिक्स करना है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, ये ज़रूर संक्रांति में आप लोग एक बार घर पे ट्राई कीजिए। ये नया डिश भी है
और घर पे जितने मेहमान आएंगे सबको आप एक एक दे भी सकते हो, खिला सकते हो नया डिशेस है। तो ये हम मिक्स करके आप 5 मिनट रख भी सकते हो और तुरंत बना भी सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं जो रखना है, तुरंत बना भी सकते हो। तो चलिए हम बाद में मिलते हैं। जब भी बनाना रहेगा इसी तरह थोड़ा सा इसको मिक्स करके देना है, इसी तरह ऐसा मिक्स करके ऐसा चम्मच से ऐसा उठाना, ऐसा इसको काट के लेना है, ड्रॉप गिरेगा नहीं। फिर कढ़ाई में आप डालिए इसी तरह, बस आप देखिए अपने आप फूक के आ जाएगा। इसमें ना सोडा डाला है, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, कुछ भी नहीं डाला है। देखिए कितना मस्त बनता है एकदम, ये देखिए ये ऐसा फूका, फिर ऐसा थोड़ा पलटी कर देना, देखिए बनाने में भी इजी है और खाने में भी टेस्टी है। तो हमने थोड़े बहुत बनाया है, देखिए आप देख सकते हो। तो चलिए इसी तरह हम बना लेते हैं सब, देखिए ऐसे ही बनेगा ये। कभी समझो ये बटर बनाने का टाइम थोड़ी सी पतला हो जाते हैं, तो तभी क्या करने का, थोड़ी सी आप मैदा भी डाल सकते हो इसमें, और इसमें शक्कर मत डालिए, गुड़ डालिए, तभी ये नरम बनेगा, तुलतुले बनेगा एकदम। देखिए हमने इतना सारा बनाया है, एकदम नरम नरम बना है, देखिए एकदम नरम बना है। इसी तरह नरम बनता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है, और ये कढ़ाई में डालते ही एकदम फूकता है मस्त। देखिए एकदम फूक के आ गया ऊपर। इसी तरह बनता है ये, देखिए कितना मस्त फूकता है। इसी तरह डाला जाता है, और एक साथ में दो मत डालिए, एक एक डालना पड़ता है, तो दो डालोगे तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, तो ऐसा नहीं डाल कीजिए, एक एक डालिए और मस्त बनेगा, ऐसा ही बनेगा। चलिए इसी तरह हम पूरे बना लेते हैं। तो हमारी गुड़ पिठा देखिए एकदम तैयार है, स्वादिष्ट है, ये जरूर एक बार घर पे आप लोग ट्राई कीजिएगा। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी आपको तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू।